here, the father promises that it's my son who never loses, and that is what it is. We are trying to get him to react. मैं आपसे भगेंगे तो भाई भी है, उनके भाई भी है, बजरंग पुनिया के भाई है। कितने खुशी है, कितने खुशी है। जश्न मनाते हुए इस वक्त सभी को सूर्य आप देख रहे हैं। जी, लड़कियाँ, ब्रॉन्ज आ गया, बजरंग पुनिया के पिताजी हैं। बजरंग बजरंग का ब्रॉन्ज आ गया। अरे भाई माइक बचा कर रखियो। एक दिन पहले थोड़ी सी मार सी लगी थी। खाली नहीं आया है। ये पिताजी बजरंग खाली नहीं आया है। और इसी बात पर जिसका फैसला है बजरंग पुनिया से आखिर दिखाई की तस्वीरें की यहाँ सर कितनी बड़ी संख्या में लोगों का भी जमा हुआ है। इतना गर्व हो रहा है, चुनाव इतना गर्व हो रहा है। और भारत के लिए कैसा बहुत बड़ी बजरंग में आज थी। हाँ। गोल्ड की आज थी, लेकिन चोट के कारण नहीं कर पाए, लेकिन देश को ब्राउन दे दिया। भैया कैसा लगा टेक्निकली, कैसा देखा है मैच को? भाई बजरंग सबसे बेस्ट लाइफ में, लेकिन चोट के कारण कल ही आउट हार गया और आज सबको दिखा दिया। नहीं कहना था उन्होंने, उनके पैर में मिल गया है, उनका परिवार हमको पता मिल जाता है। जिसके बारे में चोट है उसको दिखा दिया कि मेरे कोई चोट नहीं है, आज मैं मेडल के लिए आया हूँ। कितनी की बात है, अब आज क्या जश्न जश्न का क्या होगा? चलो फैमिली के कर ले, उधर इधर से उधर से सही सर इधर इधर मम्मी। స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించి బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. టోక్యో ఒలింపిక్స్ రెజ్లింగ్ లో భారత కుస్తీ వీరుడు బజరంగ్ పునియా అద్దరగొట్టాడు. పురుషుల 65 కేజీల రెజ్లింగ్ లో ఉడుంపట్టుతో కాంస్య పతకాన్ని ఒడిసిపట్టాడు. సెమీఫైనల్లో పోరాడి ఓడిన బజరంగ్ పునియా కాంస్య పతక పోరులో పట్టు వీడలేదు. కజకిస్తాన్ రెజ్లర్ దౌలత్ పై తిరుగులేని విజయం సాధించాడు. మ్యాచ్ ఆశాంతం, పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన బజరంగ్ ఎక్కడా ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. బ్రేక్ సమయానికి 2-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లిన బజరంగ్ సెకండ్ హాఫ్ లో మరో 6 పాయింట్లు సాధించాడు. ఈ విజయంతో భారత్ ఖాతాలో 6 పతకం చేరింది. हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने. इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे. सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापस जब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का, और जो ये इनामी राशि आप देने जा रहे हैं ये उसी वक्त आप उस कार्यक्रम उस समय देंगे? हमने विचार किया कि 13 तारीख को, 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है वहां पर ये कार्यक्रम किया जाएगा. सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया जाएगा और जो खिलाड़ी जीते हैं उनका जो मान सम्मान में हम उनको राशि अवार्ड जो देना है वो सम्मान दिए जाएंगे. सर, आप पड़ोसी राज्य पंजाब की अगर हम बात करें तो इनामी राशि जो है वो हमारे से बहुत ज्यादा कम है. ऐसे में आप क्या मानते हैं कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और ज्यादा देने के लिए तमाम राज्य की सरकारें हैं उनको ऐसा खिलाड़ियों के लिए मान सम्मान रखना चाहिए कि उनको जिस तरह से ओलंपिक में इस बार का परफॉर्मेंस है
वो बहुत अच्छा है सर, बड़े देशों से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो राज्य है उन राज्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि सारे देश के सब राज्यों को खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए ताकि खिलाड़ी उत्साहपूर्वक खेलों में हिस्सा लें और जीतने के बाद मेडल प्राप्त करने के बाद उनको अच्छी राशि उनको दी जाएगी, तो उससे एक संदेश पूरे प्रदेश में अच्छा जाता है और बाकी नए लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए उड़ुमपट तो कांस्य पदकानी ओडिसी पट्टाडु। सेमीफाइनल्लो पोराडी ओडिना भजरंग पूनिया कांस्य पदक पोरुलो पट्टु विडलेदु। कजकिस्तान रेजलर दौलत पै तिरुगुलेनी विजयं साधिंचाडु। मैच आशांतं पूर्ति आधिपत्यं प्रदर्शिंचिन भजरंग एक्कडा प्रत्यर्थिकि अवकाशं इव्वलेदु। బ్రేక్ సమయానికి 2-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లిన భజరంగ్ సెకండ్ హాఫ్ లో మరో 6 పాయింట్లు సాధించాడు. ఈ విజయంతో భారత్ ఖాతాలో 6 పతకం చేరింది. तो उस क्वालिफाइंग के थ्रो को जो अपने आप में बेहतरीन थ्रो था, ऑलरेडी नीरज उसको बेटर कर चुके हैं 87 के साथ। बिल्कुल టోక్యో ఒలింపిక్స్ రెజ్లింగ్ లో భారత కుస్తీ వీరుడు భజరంగ్ పూనియా అద్దరుగొట్టాడు. పురుషుల 65 కేజీల రెజ్లింగ్ లో ఉడుంపట్టుతో కాంస్య పథకాన్ని ఒడిసి పట్టాడు. సెమీఫైనల్లో పోరాడి ఓడిన భజరంగ్ పూనియా కాంస్య పథక పోరులో పట్టు వీడలేదు. కజకిస్తాన్ రెజ్లర్ దౌలత్ పై తిరుగులేని విజయం సాధించాడు. మ్యాచ్ ఆశాంతం పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన భజరంగ్ ఎక్కడా ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వలేదు. బ్రేక్ సమయానికి 2-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లిన భజరంగ్ సెకండ్ హాఫ్ లో మరో 6 పాయింట్లు సాధించాడు. ఈ విజయంతో భారత్ ఖాతాలో 6 పథకం చేరింది. इसने अपना जो मेहनत थी वह पूरी की। अरे जुनू भैया आधा बोले ना आधा भाई एक बार गले मिल लो, एक बार गले मिल लो, लगा दो मुझे यार शादी कर रहा था साइड साइड लगा दो भाई सब के फोन था तरह जी का आप तो वही हो ठीक है कांस्य पदक आ गया फाइनली, खाली हाथ नहीं लौटता, इस बार भी नहीं लौटा। कैसा लगा इस बार का संगल? हमें बहुत उत्ती हुई पाई जीत जलाया प्लाउन मेडल बहुत तरता पतवान की तैयार पतवान माली तुन्नी काले ये तो थी तलो तमाचा जिया बहुत दुआ भी दी बहुत प्लाजना भी दी बहुत अमन भी दिए टेंशन भी बहुत ली टेंशन नहीं मैं पहले बोल दिया टेंशन तो ही नहीं थी। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अब आएगा बजरंग वापस तो क्या जोश वोश से तैयारी है उसके लिए? बहुत तैयारी है हम धूमधाम से धूमधाम से पलकों पे बिठा के लेके आएंगे अपने भाई को। बिल्कुल बहुत खुशी है हमें। वंदे मातरम वंदे वंदे हंसी जी बोले भी मोहम्मद यार फिर पनोती है लिया चला लूंगा पहला लड़ा है लिया तो हाँ आ लिया तो ले हाँ लाइव आने की हो पिना लाइव की अरे फिर पनोती आ लिया है हंसी जी आ जा साथ कोई ना आंसू पदक आ गया बजरंग का आज पहली बढ़ गई इंडिया की शान बढ़ गई आप लोगों की शान नहीं है तो हमें पहले से ही भी भरोसा था बजरंग पे मेडल लेके आएगा। मैंने आपको बाउट से पहले ही बता दिया था हम एक तरफ की बाउट खेलेंगे। आपने भी देखा जस्ट देखा होगा हमने भाई बजरंग देश के लिए लड़ा है और जीता है और आगे ऐसे ही लड़ता रहेगा और देश के सम्मान को बढ़ाता रहेगा। अगले ओलंपिक में दुआ है भाई देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए।
और हमें विश्वास था। मैंने आपको बाउट से पहले ही बताया था हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, अब भी जीते हैं, आगे जीतेंगे, देश के लिए लड़ते रहेंगे। जज्बा है बजरंग में, जुनून है। और आज का जो कमबैक था बजरंग में, कैसा लगा आपको? हमें विश्वास था, क्योंकि हमें विश्वास था कि हमारा जो है ना लास्ट मोमेंट पे भी हम अपनी हारी हुई बाजी बदलना चाहते हैं। हमने एक तरफ की जो है आज अटैकिंग गेम खेला बजरंग ने, अपने बजरंग ने आज अपना नेचुरल गेम खेला है।